जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला खुशगवार गुजरी हो और गुजरे, बिकॉज जेन्युइनली आई फील कि ये वक्त है साथ मिलकर चलने का, इख्तलाफात को ख़त्म करने का, मोहब्बतों को बांटने का। और आज की शाम विदाउट एनी फर्दर अडू, आई थिंक यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं भी मिस कर गया, तुमने भी मिस कर दिया, पर होपफुली किसी को समझ नहीं आया होगा। आई एम जस्ट होपिंग, अनलेस के यहाँ दो ऐसे लोग हैं जिनको समझ आ गया होगा, उनसे माजरत। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह सितारों की सुबह है। आज ये जो लाउंज है इसमें पाकिस्तान के माने हुए स्टार्स आर जस्ट राइट हियर, दे आर ग्रेसिंग अस विद देयर प्रेजेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समवन दैट यू अडोर, टू समवन दैट यू लव। लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज ट्रूली ट्रूली अ सुपर डुपर स्टार। Please put your hands together for Sana Nawaz. Thank you so very much. Bahut bahut shukriya. Eid Mubarak. Eid Mubarak to you. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Please. All right, ji. Sana ke baad up. Let me call. Inhe main bahut pasand karta hoon. Truly a legend. Ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां। और आप घर पे बैठ के देख रहे हैं, I know हमारे पास यहाँ ऑडियंस नहीं है, but he is truly a legend. Ladies and gentlemen, Mr. Shakeel Siddiqui. मैं जल्दी जल्दी सबको बुला लूँ ताकि मेरा ये गाने वाला काम खत्म हो। आ जाइए आ जाइए, मैं ही हूँ आपके इस्तकबाल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग भाई जी। शकील भाई प्लीज आ जाइए। नहीं नहीं लड़के, आप यहाँ बैठ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा। आप तो इधर ही बैठे, नहीं नहीं अब आप इधर ही बैठेंगे। आप लड़के तो वैसे भी नहीं रहे कहाँ, सॉरी आप लड़के ही। जी जी आप लड़के आए। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सिरा असगर। तशरीफ लाइए जी। एंड ईद मुबारक टू यू एज़ वेल। बहुत बहुत सारी ईद की खुशियाँ आपको, मुबारक हो। सलाम अलैकुम। ईद मुबारक। एंड लेडीज जर्मन, इनको मैं साथ ही बुलाऊं तो बेहतर है, क्योंकि अकेले आना इनका किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेडीज एंड जर्मन, मिस्टर बरका तनुस्मी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आओ? सलाम वालेकुम, कैसे आओ? आइए प्लीज, आ जाइए। इधर आ जाइए। मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ, उसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि शी इज़ जस्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल, और दूसरा रीज़न ये एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। लेडीज एंड मैन, आज हमारे साथ ऑफ कोर्स द सुपरस्टार नादिया हुसैन। प्लीज तशरीफ लाइए, खुल के बजा लो। तुम लोग क्या हो गया, और कितना खुलूं? देयर यू गो, देयर यू गो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जहाँ आप बैठना चाहें। नादिया इधर आए, प्लीज आप इधर आए। नादिया तुम उधर हो जाओ ना। नहीं, तुम उधर हो, सो गए। देयर यू गो, दैट्स इट। लेडीज जर्मन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गजल सिद्दीक। तशरीफ लाइए जी। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज
जहां मर्जी आप बैठना चाहें, यहां या यहां, कहां तुम बताओ। अच्छा जाओ। All right, जी। और इन्होंने जब करियर शुरू किया तो ये मेरे पास आए थे और मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है, हद से ज्यादा मोहब्बत है। एंड ही इज लाइक अ लिटिल ब्रदर टू मी एंड ऑनेस्टली आई एडोर हिम बिकॉज रीजन इज इसने बड़ी बच्चे ने मेहनत की है एंड नाउ ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉप इन पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नॉट अदर देन वाजी फारूकी। जल्दी आ जा, भाग के आ जा, बड़ी भाग के आ जा, भाग के आ जा, रुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आ गई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बंद करें म्यूजिक, बंद करें म्यूजिक, बंद करें म्यूजिक, बंद करें। दिस मैन आई नॉट ओनली लव आई अडोर, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इन्हें जानती है और पाकिस्तान को जगह जगह इनकी वजह से पहचाना गया है। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दैट ही इज हेयर। आई हैव ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ हिज वर्क एंड टुडे ही इज हेयर, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है उन्हें बुलाते हुए। जेन्युइनली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लेजेंड अली हैदर। अली भाई क्या बात है। सर ये है, सर है, सर है, सर है, सर है, सर है, है, है। अली अली, दिस इज फॉर यू, दिस फॉर यू, जेन्युइनली दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, जेन्युइनली। कम ऑन, कम ऑन, सिट, कम ऑन, सिट। बस कर दो, बस कर दो। इतने दो इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स के सामने मैं क्या गाऊंगा यार। इट लुक्स वेरी ऑड फॉर मी टू एक्चुअली सिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सर आप बड़ा अच्छा गाते हैं वैसे। सर मैं माफ कर दें सर मुझे, बट इट्स ओके, इट्स ओके। आई लव यू। ऑलराइट जी, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हाउ आर यू? कैसी कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, ऑल गुड। कैसे गुजरे रमजान? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। यस, और तुम्हारे कैसे गुजरे? बहुत अच्छे सर। सबसे तो पहली बात सर, शुक्रिया आपने इनवाइट किया और सबको ईद मुबारक, और आपने इतने अच्छे अच्छे लोग डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटीज के साथ बुलाया, डाउन टू अर्थ, और इतने आजजी लोग हैं यार, अली भाई, नादिया जी, गजल जी, सना जी, शकील भाई, मैम। तो मैं तो यही कहता हूँ, आजजी इनमें इतनी इनकसारी, कहते हैं आजजी हुसन का बेहतरीन रूप है, तो ये हुसनदार आपने बुलाए, आजजी वाले, तो थैंक यू वेरी मच आपने इनके साथ मुझे बुलाया, और आपने बुलाया सर, बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है, बट बहुत बड़ी बात है। अली हाउ इज यू, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल मजे में हूँ और यहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गया हूँ। सब हमारे आई नो लेजेंड्स हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिन कुछ तो ऐसे हैं जिनके साथ मैंने बहुत अरसे काम किया हुआ है, सना है, शकील भाई हैं, हमने तो गलियों में किया हुआ तो बहुत काम किया। और क्या, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि कराची में जो माहौल हम देख चुके हैं, पूरी पूरी पाँच पाँच बजे तक आवाम निकली हुई है और फंक्शंस हो रहे हैं, तो आज यहाँ देख के माशाल्लाह वही चेहरे दोबारा से जगमगाते हुए, नादिया भी नजर आ रही है, मैं इनसे पूछ रहा था अब क्या करवाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया। मैं बताती हूँ, नादिया ने कुछ बताया आपको? नादिया कुछ बताया आपने क्या करवाना है? हाँ, डिटेल्ड कंसल्टेशन होगी फिर बाद में। कह रही वीजा करवाना दोबारा अमेरिका। मैं कोई पाँच साल पहले मिला था ना, पाँच साल पहले मैं नादिया से एक जगह इस्लामाबाद में कोई शो था, तो मैंने नादिया से पूछा कि मुझे कुछ समझाएं कि अब एज हो गई ना, हर कोई अब छुपा तो नहीं सकते, तो मैंने कहा कि क्या कराया जाए, तो कहने लगी अभी पाँच साल और ठहर जाओ। अच्छा, तुम्हारा जो ये बबली वाला फेस है ना, कैश इट। हाँ, सेड कैश इट, एंड आई ऑनेस्टली थिंक ही स्टिल हैज नॉट एज्ड। नो, ही इज नॉट एज्ड, नॉट एज्ड एट ऑल। माशाल्लाह, या गवर्नमेंट ही ठहरती, वो कैसे ठहरेंगे? वो तो रुक गए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गजल, कैसी हैं? वालेकुम सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सेम टू यू। तो क्या हुआ, क्या एकदम से अचानक चली क्यों गई आप? अब इतनी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि कुछ अजीब सा, हमें नहीं पता ना, बताइए। अच्छा, आपको नहीं पता। मैं तकरीबन 12 साल रही कनाडा। हाँ, में ओके। बेटा बहुत छोटा था, जा रहा था वहाँ, तो मैं सोच रही थी बींग अ मदर आई शुड गिव हर माई, यू नो, पूरा टाइम उसको देना चाहिए मुझे, और क्योंकि मीडिया तो दोबारा से काम किया जा सकता है, लेकिन वो जो बच्चे का जो टाइम होता है ना, बहुत कीमती होता है वो बचपन, जिसमें उसको मदर की ज़रूरत होती है। तो बस ये कि पूरी फैमिली, वी आर थ्री इन अ फैमिली, छोटी सी फैमिली हमारी, तो हम वहीं मूव हो गए कनाडा में, वहाँ फिर 12 साल रही मैं, फिर
So different, different काम किया. Have you shifted back या नहीं अभी? Yeah, I've moved back. अच्छा, you moved back. I'm here for good now. Okay, okay. Yeah. Mashallah, mashallah. So, and your son is staying there? My son is there because my husband wanted to live here. Okay. उसकी सारी family ससुराल मेरा पूरा यहाँ कराची में है. सही. जबरदस्त. Nadia, how was your Ramzan? कैसे था? एक्चुअली बहुत अच्छा, क्योंकि थ्रू आउट मैं बिजी रही हूँ ड्रामे की शूट्स में, और बाय चांस लकीली इस दफ़ा मौसम जो है वो बहुत ख़राब नहीं था. हाँ. तो उसकी वजह से जो है ना वो रोज़े इतना पता नहीं चलता था, और जब आप काम में बिजी होते हैं तो पूरा पूरा दिन जो है वो बस वैसे ही निकल जाता था, और तो पता ही नहीं चला. But how do you do this? इतना सब कुछ कैसे करती हैं? Being a doctor, being a consultant, then of course being a stylist, and पता नहीं और क्या-क्या चीजें आप करती हैं? How do you do it? साहिर, तुम अपनी बहन को देख लो और मैं क्या बोलूँ? हाँ, there you go. I think me and Shaista are the same league. मेरे तो घर में ही मिसाल है. Look at yourself. You're also very busy. Oh yeah. मुझे तो खैर आदत ही है ना, मतलब I don't know. The only difference is के शाइस्ता के अब बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे जो हैं वो भी छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई डू हैव वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, यू नो, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. मैं घर पे हूँ नहीं हूँ, एटलीस्ट यू नो मुझे पता है कि मेरे बच्चों के ऊपर जो है ना एक फादर फिगर है, एंड दैट फादर फिगर or the mother figure is not necessary ki mother figure ho, lekin ek father figure is there, you know, so there is somebody who is the parent, so it's, you know, bas wo to har shohar ki majboori hai. नहीं, वो लकीली उसकी मजबूरी नहीं है, वो उसको शौक है घर में रहने का. सो आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा, तो इसका मतलब रुखसती उनकी हुई थी. मैं तो कोई बात नहीं, रुखसती हो के उसके बाद फिर वो जो है वो बहुत खुश है घर पे रहते हुए. नहीं नहीं, शौहर का काम है, अगर बीवी से डर नहीं लगता तो अदाकारी करो डरने की. सीरियसली? हाँ, जिंदगी पका है. आप कभी डरे अपनी बेगम से? मैं बहुत डरता हूँ. रियली? बहुत. और डरना चाहिए, जो बीवी से नहीं डरा वो मर्द नहीं है. क्या मतलब? लगता है देख रही है मुझे. ज़ाहिर है, आप यही देखना है उन्हें. नीचे अच्छा, हाउ आर यू अजीत, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? या ऑल गुड? ऑल गुड. आजकल हो क्या रहा है? और तुम इतने बिजी हो, इतने बिजी हो, आना जाना भी नहीं है आजकल. एक्चुअली �सा हो रहा है कि अभी 7 प्रोडक्शंस गाने आने हैं. हाँ. उसी पे काम चल रहा था पूरे रमजान. हाँ. उसी में बिजी रहे. बाकी यू नो हु यू रिमाइंड मी ऑफ? शाफे. या माय भांजा. भांजा या. वो एग्जैक्टली अगर आप उसको देखें ना, शाफे को, शाइस्ता एल्डर सन, तो बिल्कुल ऐसे लगता है. एंड वो बातें भी उसी तरह की हैं, करते भी वो यो, बाल बाल भी ऐसे बनाते हो, देखते भी. हाँ, इट्स अमेजिंग. इट्स अ गुड थिंग ना. चले, इट्स अ वेरी गुड थिंग. इट्स अ वेरी गुड. ठीक है, तुम्हारी पेमेंट वही पकड़ेगा आपका. क्या करेगा? मैंने सुना पेमेंट वही पकड़ेगा कह रहे हैं. इसकी पेमेंट वो पकड़ लो. आप पकड़ भी सकता है. सिरा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक. ये बोलती भी है जी? मतलब मैं आप लोगों को मौका दूं, आप लोग बोले, मैं थोड़ा रेस्ट करूं, फिर मैं अपनी एनर्जी निकालूं. अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे जरा बात करते हैं. छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद. अब कहीं मत जाएगा. ईद मुबारक टू यू. विल बी राइट बैक. Alright, once again, welcome back. And of course, हम बात कर रहे थे सिरा से. सिरा, we were talking about you. तो कैसा रमजान कैसा गुजरा आपका? रमजान बहुत अच्छा गुजरा. पहले 15 रोजे जो है मैंने घर में गुजारे, फिर 15 रोजे जो है शूट पे गुजारे. लेकिन जो पहले 15 थे उसमें मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे शौहर इफ्तारी बनाते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता. बहुत चलूँ, सहरी भी वही बनाएंगे, क्योंकि उन्हें खाने का शौक है, मुझे कोई शौक तो नहीं सिर्फ है. 3 रोजे जाएगा. 3 रोजे क्या मतलब? सेहत के हिसाब से तो मेरे ना रोजे बहुत सुकून के गुजरे. और ईद भी बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि एहान अब 1.5 साल का है माशाल्लाह से. माशाल्लाह. तो उसके कपड़े सिल के आए, फिर खेड़ियाँ ली और फुल मैचिंग की छोटी सी कोटी से. 5 साल का. 1.5 साल का. इनके लिए 5 साल गई सेहत के साथ. आप बहुत चुप चुप हैं, क्या बात? सर, मैं सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है. बहुत दिनों बाद आपको सुन रहा हूँ. बिल्कुल अच्छे नहीं. शकील भाई को सुन रहा हूँ, इतने प्यारे अपने गेस्ट बुलाए, मेरे फेवरेट सनाजी अली भाई, नादिया, सबको सुन रहा हूँ. बड़ा अच्छा लग रहा है. अच्छा, एक बात देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं सर, थैंक यू सर. आप शादीशुदा, मेरा एक सवाल ऐसे इनपुट दे रहा हूँ मैं, ये बताइए, शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने का तरीका अक्सर कवारों के दिमाग में क्यों आता है?
बेटा शादी इसलिए करनी चाहिए जब जहन्नुम में जाओ लगे अपने ही घर आए हैं। ये प्रैक्टिस है, रिहर्सल है। और ये एक शादीशुदा आदमी का जवाब है। शादीशुदा आदमी नहीं है, चाहिए शकील भाई तो शादी बहुत जरूरी है, जरूरी है। शादी अब तुमसे नहीं हो पा रही तो मैं क्या करूं। क्या पता इस शो के बाद हो जाए। हाँ नहीं नहीं मायूस, मायूसी यहाँ पे मायूसी सवाब है। अच्छा ये बात सच है कि शादी के बाद भी अगर लड़के का पेट बाहर ना निकले तो समझ जाओ लड़का अपनी शादी से खुश नहीं है। पता नहीं जी मुझे। शकील भाई बताएंगे, शकील भाई आप लेजेंड आदमी आप बताएंगे। आप पूछा तुमने बेटा पेट बाहर आए तो आज लड़के का पेट बाहर आए, पेट बाहर ना आए तो, ना आए तो अच्छा रिपीट में आपको लड़का खुश नहीं है। नहीं नहीं बेटा पेट तो बाहर भाई ने पेट बुला लिया, पेट बाहर आता है, पेट बाहर आता है फिर बंदा बाहर जाता है। वाह पेट बाहर जरूरी है शादी के बाद, पता लग जाता है ना जब कमरे में दाखिल होता है पता लगता है मियाँ आ रहा, पहले नाभि आती फिर मुंह आता है दोनों फिर पता लग जाता मियाँ है। तो अभी आपके तो बगैर उसके निकल आया है। नहीं ये मेरा बहुत अपने शायर, ये बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, उज़्मी मज़ा है, बरकत उज़्मी दोनों छोटे भाई है और मैं बहुत प्यार करता हूँ इनसे। ये इनको पता है ये बात, मैंने बहुत कोशिश की नफरत लाने की मुझसे हुआ नहीं, नहीं, नहीं और मैं वाकई इनके काम से भी बहुत मुतमईन हूँ। कोई शक बस उसको मैं एक दो बातें समझाता हूँ वो मेरी इसकी बात है, लेकिन इनके काम के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट दे रहे। बड़ी बात है सर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है सर कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है एक दूसरे के लिबास देखने में इतने मसरूफ हो गए कि इखलाक देखने का वक्त ही नहीं मिल रहा। इखलाक बड़े बेटे का नाम है किसका? देखो इतनी सीरियस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत बुरा लग रहा है इस बात में। यार उन्हें बोलने दो, उनकी रील्स बनती हैं बाद में। क्या बनती है? रील्स बनती हैं कट कट होके ना, इंस्टा पे हिट होते हैं ऐसे। अच्छा सेकंड वाला ये दो सेकंड बाद आप पंचलाइन दिया करें ताकि वो कट एडिटर को कट मिल जाए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सब है क्या। ये सोशल मीडिया नहीं, ये सोशल मीडिया है। I don't like it. I'm not there and I'm not missing anything. I think it's absolutely fine. लेकिन एक चीज़ मैंने डिफरेंट भी देखी है आज के दौर में कि ये आ तो रहे हैं 15 सेकेंडर या 30 सेकेंडर जो रील्स होती हैं, एट द सेम टाइम दो दो घंटे के पॉडकास्ट लोगों के चल रहे हैं, इतना लोग इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं। तो अब ये है कि व्यूअर के ऊपर है वो क्या देखना चाहता है। जॉब नहीं ना लोगों के पास, टाइम बहुत है, जॉब नहीं है। हाँ लोगों के पास पाकिस्तान में जॉब ही तो नहीं है और कुछ सब है बाकी जॉब नहीं है। अच्छा छोड़ें, ये बताइए ईदी किसको उसको मिली है, किस किस को मिली है ईदी? हाँ या आप देने जा रहे हैं? मैं हम देते थे, लेते थे कभी। हाँ जाहिर है अम्मी अबू से लेते थे। हाँ अब वो है नहीं दुनिया में, अब देने का वक्त है, अब देने का वक्त। और ये बहुत बहुत पहले से बहुत पहले कठिन बहुत पहले से 20 साल पीछे चले जाए। आई ड्रेड चांद रात ना, आई ड्रेड इट बिकॉज मुझे ये पता होता है कि चांद रात के बाद ओए होए होए हमारे, मुझे आज तक सिवाय मेरे वालिद के किसी ने ईदी नहीं दी आज तक। माँ बाप तो देते ही ना, बस सिर्फ वालिद ने दिए ईदी, उसके अलावा हर एक दी। नो नेवर नेवर ऑनेस्टली मैं मुझे लगता क्या हो गया साहिर भाई, शकील भाई देखे जाएंगे आज आप परेशान नहीं। उसने क्या कहा वालिद साहब? सबसे बुजुर्ग सबसे सीनियर आदमी यहाँ पर, तालिए शकील भाई के लिए यार। क्या हो गया शकील भाई, सीनियर है टीवी से भी 14 साल बड़े हैं, मैं आपको बताऊं। नहीं मैं टीवी से 14 साल बड़ा हूं और ये कुछ भी ना कर रहा था, बंद टीवी पे आ रहा होता है। नहीं नहीं शकील भाई तो सीनियर, आप सीनियर है ना, आप देखकर जाके सब ईदी की बात हो रही है। अम्मी दिया करती थी ईदी और हम रुपये से शुरू हुए थे, मुझे याद है बचपन में हमारे जमाने में रुपया वो नहीं होते थे, कड़क नोट फूलों वाले होते थे। तो यार माँ के लिए चार लाइन बोलूंगा मैं, बिल्कुल माँ जो है ना, माँ सब जानती है, कोई शक नहीं। जब मैं बोलूँ आप कहना माँ सब जानती है, आप लोगों ने सब ने कहना साथ माँ सब जानती है। मैंने कहा माँ सब जानती है। ओके जब बच्चा महीने का होता है रोता है तो माँ वहीं हाथ रखती है जहाँ बच्चे को तकलीफ होती है, क्योंकि माँ सब जानती है। माँ जब बच्चा 5 साल का तोतली जबान में बोलता है ना माँ लव यू, तो माँ कहती लव यू टू, क्योंकि माँ सब जानती है। 12 साल का बच्चा 15 साल का होकर बच्चा कहता है कि माँ लव यू, तो माँ कहती कितने पैसे चाहिए, क्योंकि माँ सब जानती है। 24 साल का बच्चा होकर कहता ना माँ लव यू, तो माँ कहती लड़की का नाम बता, क्योंकि माँ सब जानती है। और जब बच्चा
40 साल का होकर कहता ना माँ लव यू, तो माँ कहती है मना किया था ना इस लड़की से ना कर, क्योंकि माँ सब जानती है। वाह वाह। जब 50 साल का लड़का होकर कहता ना बेटा माँ लव यू, तो माँ कहती किसी कागज पर दस्तक नहीं करूंगी, क्योंकि माँ सब जानती है। क्या बाप के लिए भी एक लाइन होनी चाहिए, बाप के लिए कहा है, बाप के लिए कहा था मैंने कि बाप वो शय है, बाप औलाद के लिए खुला आसमान है, बच्चे उसके लिए परिंदा है, कि उड़ मैं तेरे सर पे हूँ। और बाप वो शय है जो हर सुबह अपने आराम को हराम करके अपने बच्चों के लिए आराम कमाने निकल जाता है, अपने बच्चों के लिए हराम कमाने निकल आराम 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 सही कर लेते हैं, अपने आराम को हराम करके अपने बच्चों के लिए आराम कमाने निकल, इसमें कोई शक ये है बात, तो माँ बाप के लिए ताली होनी चाहिए। क्या बात है, पेरेंट्स के लिए ताली। अरे अली भाई क्या हो, क्या रहा है आजकल, क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू इनटू म्यूजिक, आर यू बैक इनटू म्यूजिक या नहीं? मैं अभी शकील भाई की जो सारी बातें हैं आगे निकली माँ बाप की, अब जो जिंदगी है या क्या सोच रहे हैं, आई थिंक हर कोई तकरीबन इसी तरह सोच रहा होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि रंगो रस की हवस और बस, क्या रंगो रस की हवस और बस, और बस एक नस टस से मस और बस, और बस, क्या बात, जिंदगी बस यही है। शायर एक बात बताओ, ये लाओ भाई लगता है लेकिन मैंने इसका कल असल चेहरा देखा है, ये अपनी माँ की इतनी खिदमत कर रहा है, इसके लिए बहुत सारी तालियां हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कल ही, मुझे प्यार आया कि यार ये अपनी अम्मी को, जिसमें बैठा होता उसके घर में, और जिस तरह से अपनी अम्मी से बातें कर रहा था, मतलब काम भी अपना कर रहा, अम्मी दवाई ले ले, अम्मी ये कर ले, अम्मी वो कर ले, मैं सोच रहा था यार शायद इसीलिए शादी नहीं कर रहे शायद। और आप सही सोच रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही अल्लाह से ये चाहता नहीं है मेरी माँ और मेरे बीच में कोई और है, बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाए आगे, क्या कहानी हो, मैं खिदमत ना कर पाऊँ। लव यू मेरे बच्चे, नहीं बड़ी बात, बड़ी बात, क्या बात, बड़ी बात, अल्लाह ताला उनको सेहत दे हमेशा, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बिकॉज़ आई थिंक माँ की जब बात आती है, आई थिंक माय मदर हैज वर्क लाइक एनीथिंग, उन्होंने एक वक्त में तीन तीन चार चार जॉब्स किए जस्ट टू रेज अस, एंड यू नो अम्मा आप देख रही होंगी इस वक्त, और माय अम्मा इज ऑल्सो बेड रिडन, वो बहुत मुश्किल से चलती फिरती हैं, लेकिन आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, मैंने आपसे बेहतर किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं पाया, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम योर सन, एंड ईद मुबारक टू यू अम्मा, एंड आई एम कमिंग होम, आई लव यू, आई लव यू, मुबारक हम सब की तरफ से बहुत सारी दुआओं के साथ दिन है, और सबके लिए माएँ तो होती है, ऐसी शख्सियत है कि ईद वाले दिन तो आपकी ईद हो ही नहीं सकती कि अगर आपकी माँ नहीं है आप उसको याद करते हैं, और अगर होती है तो आप की ईद हो ही नहीं सकती उनके बगैर, बिल्कुल नहीं हो सकती, मतलब वो फील ही नहीं आती, चेहरा जब तक देखे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, आंखों को ठंडक नहीं मिलती। आई नो, आई थिंक इवन फादर्स आल्सो, बिकॉज़ आई थिंक माय डैड इज लाइक अ फ्रेंड टू मी, तो वो हमेशा मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो ऑफिस जब आते हैं तो मैं 11 बजने का, बिकॉज आई एम एन अर्ली राइजर, तो मैं सुबह 9 बजे पहुंचा होता हूँ, कोई भी नहीं आता ऑफिस में, मैं अकेला होता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई, बट मैं पहुंचा हुआ होता हूँ सुबह 9 बजे, एंड देन एट 11 o'clock व्हेन ही रोल्स इन, जब वो आते हैं तो मुझे पता होता है कि मुझे उनके साथ बैठ के चाय पीनी, एंड दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे, बिकॉज जब वो आते हैं मैं उनके साथ बैठ के चाय पीता हूँ, वो दो तीन मुझे बातें अच्छी खासी सुनाते हैं, और उसके बाद ये बताते हैं कि मैं कि ज़िंदगी में क्या क्या गलत कर रहा हूँ, एंड इट्स एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है, वेदर योर पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट। नादिया आप बताइए, आपको किसने सबसे ज़्यादा ईदी दी आज तक, कितनी बड़ी ईदी मिली आपको? सबसे बड़ी ईदी किसी एक ने नहीं दी वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मतलब मेरे नाना में खाल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद ये पूछो सबकी उम्र का पता करना ना, पहली ईदी कितनी मिली थी सबकी उम्र का पता लग जाएगा और हालात का भी। पहली ईदी तो मुझे याद है कि 10 रुपए ही से ही शुरू होती थी, 10 रुपए बेहतर है, हम 1 रुपए वाले, नहीं वो तो 10 रुपए की गड्डी मिलती थी जो 50 की गड्डी होती थी, 10 चल रहा है, 100 की होती, 10 वाली अब भी चल रहा है, 10 की होती थी, सही कह, नहीं लेकिन वो 100 रुपए होते हैं ना, ये 50 के, लेकिन उसमें उसमें वो अच्छा निकाल के देते थे, हाँ निकाल के, नाना नानी के लिए निकाल लेते, हाँ हाँ हाँ, लेकिन आई थिंक मैं आप मेरी खाला शी वॉज अ सिंगल पेरेंट, तो
बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो ईदी जब दिया करती थी तो बहुत कम ईदी होती थी, लेकिन आई थिंक वो शायद सबसे बेहतर होता था, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू गेट, इट्स अबाउट द फीलिंग. वो अनमोल होते जो आप, वो अनमोल है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं. तुम्हें कितनी मिली सबसे ज्यादा? तुमको अच्छा, तुमको मुझे हाँ, हाँ तुमको क्या मतलब? हाँ, सर याद ही बनाते क्या? याद ही नहीं सर, याद ही नहीं है. याद ही नहीं है. दे दी किसी ने तो जाके वो चिप्स ले लिए खुले हुए और एक बोतल पी ली, खुश हो गए पार्क में बैठ के, बात बस ये होता था हमारी. तो ईद ही वजी सबसे ज्यादा ईदी 2000 पैसों में क्यों तोलते हैं कि इतने पैसे मिले और ये वो. मुझे लगता है ये बहुत मटेरियलिस्टिक ऐसा ही है सोच हो जाती है. जैसे आपने कहा कि 10 वाले नोट या जो भी एक होता है, ये एक रिवायत है और उसकी खुशी तभी है जब आप उसको फील करें. वो डिमांड अब आप सब जितने भी हम बैठे हैं सब डिपेंडेंट है, खुद देने वाले हैं, ईदियां देने वाले बन गए हैं. वो तो एक्सेप्ट करना है कि कोई कितनी भी ईदी दे रहा है वो उसी मोहब्बत से एक्सेप्ट कर रहा है. लेकिन ये तो बात जो है, ये बच्चों को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है. बच्चों के लिए इवन जब हम बच्चे थे तो हमें सिर्फ उसी चीज का होता था एक कि भाई ईदी हमें कितनी मिल रही है और हर एक के पास जाके सलाम करना ईदी और बड़ी वो भी. बताइए आप लोगों से किसने ईदी वापस की अम्मा को? मैंने दी अपनी अम्मा को ईदी वापस. मैंने भी मैंने भाई बाकायदा अम्मा 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 कहती थी कभी भाई देना भी है. ये लाइन होती थी भाई देना भी है दूसरों को. मैं मतलब है मेरे बहुत खर्च हो गया लाओ ये मतलब मिला के दूंगा. सीरियसली ऐसा ऐसे ही होता था. हां बिल्कुल. लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता. आजकल बिल्कुल नहीं होता ऐसा. आजकल आप मैं तो रख लेती हूँ एहान की, रख लेती हूँ उसकी ज्यादा आती है ना, छोटा है वो, उसकी में सारी हम लोग कहते हैं बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे, वो अपने ही होता है. वो तो अभी 1.5 साल का है ना बच्चा, तो वो अपनी हुई ना, मतलब बाद में उसको डबल करके दे. उसकी ज्यादा आती है तो ऐसे लगता है ना. और हमारे यहाँ जब मेहमान आते थे ले लेती थी, हमारे कोई मेहमान आते थे बेटा आज दे दो, वो कल कभी नहीं आई. अच्छा हैदर, हम जब मेहमान आते थे ना घर के अंदर तो हम इर्द गिर्द घूमते रहते थे और एक दूसरे से इशारा करके पूछा दिया क्या दिया. नहीं हम तो जाके बेशर्मी से लेते छोटे सामने. हम भाई बहन आपस में बना इशारा ले सकती थी. शकील भाई जाते थे मारते थे. हाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूबो सुना दिल तोड़ तमन्ना हो के रूपोश तेरी नजरों के सद के ये जावार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहावार दूंगा. मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा. भुला के मैंने तुझको है पा लिया, दिल से दुआओं में भी तुझको ही मांगा, रूह का गुरूर सारा तुझ पे लुटा दिया, खुद को हरा के तेरी जीत को है मांगा. वाकिफ है जहां के रिवाजों से, मैं नजरों से तेरी हर नजर उतारू. हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा. आप आ जाए ना साथ तेरी लैलाई का हो के रूबो. Thank you.
वो कर ले कभी भी हंस बोल लो अभी 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 लेट्स डू इट लेट्स डू इट लेट्स डू इट राइट नाउ अली हैदर अली का अमेजिंग यार अमेजिंग बजी के लिए बहुत सारी तालियां यार ऑनेस्टली वंडरफुल सर कर दें सर सर अली का गाना हो लेकिन गाएं दो अच्छा मैं आपको बताऊं अभी ये जो गाना कर रहे हैं ना बजी आप दोनों गाएं ये जो अभी इसको मैंने कहा कदी थे हंस बोल ये गाना पहले पाकिस्तान में बना फिर हिंदुस्तान में बना लेकिन पुरानी जींस तो ये करेंगे पुरानी जींस नहीं मैं कह रही हूं नहीं 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 आप ही करेंगे आप ही करेंगे आप ही बहुत अच्छा करते हैं सर सर आप वो आपके साथ आपके साथ आपके साथ वी आर ऑल गोइंग टू डू दैट हां साथ करें साथ करें पुरानी जींस तो अमर है अच्छा मुझे इनका एक गाना था आड़ा पजामा मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा यार बहुत अच्छा गाना था ओफ मेरे खुदा सही है कहां बहुत 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 जबरदस्त हमारा पहनावा है ना आड़ा पजामा आड़ा पजामा आजा दिल जानिए करो मेहरबानिए आजा दिल जानिए ते करो मेहरबानिए ना दुखा नाल रोल वे ओ जिंद साडी रोल वे कदी ते हंस बोल वे ओ जिंद साडी रोल वे तेरे नाल प्यार दे है बस ते बाजार वे अजूड़ा बैठी कोल वे ओ जिंद साड़ी कदी ते हस बोल वे ओ जिंद साड़ी रोल वे दुखा नाल रोल वे ओ जिंद साडी रोल वे ये बात नहीं नहीं तेरे साथ कदी ते हंस बोल वे ओ जिंद साडी रोल ये तो आपको भी आता है प्लीज आ जाए इसके साथ कुछ मिला सकता हूँ खड़े हो गए इसके साथ कुछ मिला सकता हूँ आ जाए आ जाए मेरा माही मेरे बाग जगावन आ गया सयूनी 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 मेरा माही मेरे बाग जगावन आ गया के था गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीला दे वात वे ओ चन्ना के था गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीला दे वात वे ओ चन्ना के था गुजारी आई जिंद जान सदके सा वाले अवे हाय किथे शान तेरी किथे मैं कमली है जिंद जान सदके सारी आप वारी तेरे कदमा तो नैना वाले अवे किथे शान तेरी जोगी तेरा बावड़ा गया सही होगी मेरा माही मेरे बाग जगावड़ा गया माही रे माही माही ओ माही माही ओ माही माही
चन्ना के था गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीला वे बात वे चन्ना के था गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीला वे वास्ते चन्ना के था गुजारी आई वे माही माही वे माही माही वे माही माही भाई जान मतलब क्या बात है यार, बहुत अच्छे सर 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 की सर मैं आपको बता रहा हूँ। ओ अली भाई क्या बात है यार, क्या बात है, शो शुरू करें, अमेजिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू, क्रिएट करवाया है सर 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 सर, इट्स ऑल यू, इट्स ऑल यू, इट्स ऑल यू, क्या बात एंड बजी सर, क्या बात है सर, ऑलवेज बीन अ फैन, सुर इतना ऊपर ले गए, इतना सुर ऊपर ले गए, सुर बागा था परिंदों से टकरा रहा था। अच्छा तू जिंदगी में ना कुछ क्या कह रहा है क्या क्वास मतलब चेक करे इसका कुछ ना क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, किसको दे रहा है कॉम्प्लीमेंट, किसको दे रहा है, कुर्सी नहीं तोड़ना मेरी, मेरे पे भी शेयर कर दो, इतने ऊपर से शुरू हुआ, अच्छा मजा नहीं आ रहा है, तो दरिंदों से टकरा है, अच्छा मुझे नादिया ने इशारा किया कि ज्वाइन इन, हां मैंने कहा अभी ये निकला हुआ है, बहुत आगे निकला हुआ है, लेकिन इतना अच्छा ज्वाइन किया आपने, ज्वाइन फैमिली वाला माहौल हो गया। अच्छा मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुरा गाता हूँ, मुझे कह रहे तुम भी गाओ साथ, अबे बात सुन, नहीं नहीं सर मैं अच्छा गाता हूँ, मतलब सीरियसली शुक्र करो साथ मन का, हमने एक रमजान और मुझे पता है साहिर भाई गा लेते, अगर ये गाता ना, अगर ये गाता ना अपना बरकत, लोग कहते हैं सुर फिटे मुंह, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, लाइट चली जाती है जनरेटर के आवाज में भी गा लेता हूँ, समझ रहे हो, ये देख बेटा आगे दिखाओ, आगे दिखाओ, जनरेटर पे डांस भी कर लेता है तो खबर नामे पे नाच ले, तो एक बार फिर करो, डर जनरेटर बजाओ, डर ये वो आदमी खबरनामे पे नाच ले, आज दो बसें टकर आ गई, अच्छा छह आदमी फुड़क के मर गए, तीन का जनाजा जायज नहीं, लेकिन बहरहाल बात बहुत अच्छी की थी, आप प्यार करें इसको, अरे मेरा ये मेरा सिर्फ यार मेरा, मैं मुंह खराब कर ही लेता हूँ ये मेरा ऐसे ही बच्चा है यार जो इधर उधर भटक गया, ठीक हो जाए तारीफ, आप ये कप हटा, ये कप हटा लीजिए, डूब जाएंगे इसमें, खाली है, पानी है, पानी है आपके लिए रखा है, अरे सदका तो भाई उठा लेती हूँ तुम, हाँ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ, आप मुझे बताया था ना, मैं मेरा अपना मुंह नहीं है, भले मारो आपने बताया था, आजमाया नहीं था, नहीं नहीं यार ये बहुत अच्छा, मुझे इसने हैरत में डाला, इसने जब बताया मैं शादी शुदा हुआ, कि बहुत छोटी लगती है माशाल्लाह, बहुत छोटी है, लगनी चाहिए हमेशा फौरन तकब्बुर आ गया यार, और आप लोगों ने बजाया बहुत अच्छा है यार, हैदर भाई के लिए बहुत सारी तालियां, अली भाई क्या बात, ओल्ड इज गोल्ड, आज भी आपकी आवाज वही है, आप यकीन करें अच्छे लोगों को देख के ना, मैं बिलीव करता, आई थिंक ऑल ऑफ अस बिलीव इन दैट, कि अगर अच्छे चेहरे नजर आते हैं और आपको एक पॉजिटिविटी नजर आती है ना, आपकी एनर्जी ही कुछ सेम ईयर सर, सेम ईयर अली भाई, सेम ईयर, और ये बड़ी बात है, ये बात शकील भाई को देख के बोल, बड़ी बात है, बड़ी बात तो कुछ तस्वीर है और आप लोगों ने कुछ मशवरे देने सबने, ब्रेक के तस्वीर को, जी जी तस्वीर दिखाता हूँ मैं, All right,
Once again, welcome back and Eid Mubarak to you. और अब एक छोटा सा खेल है सबके लिए. कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा और आपको उन शख्सियात को मशवरे देने हैं, ठीक है? तो we'll start with Ghazal. You first. Why with Ghazal? Okay. Anyone? Okay. Why don't you pick? कहाँ से शुरू किया जाए? बताइए. किससे शुरू किया जाए? Pick anyone. Okay. Go ahead. I'm just you? Kidding. Yeah, anything. एक एक तस्वीर दिखाएंगे. चले ठीक. But it has to be very very quick. ठीक है? Okay. आइए जी. पहली पिक्चर है. दिखाइएगा जरा. दिखा दीजिए. अदान. मशवरा. बहुत अच्छे एक्टर हैं. नहीं नहीं ये तो उनकी बात है ना. मशवरा दीजिए ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. वो अपने घर वालों से नहीं लेते तो उनसे क्यों लेंगे. सना ने घर की बात बताई कुछ सना. जी जी मुझे तो लगता है कि बहुत सब कुछ सही कर रहे हैं. सब कुछ सही है तो कोई मशवरा नहीं इनके लिए. एक जगह सेटल हो जाए या तो इधर ड्रामे करें या बाहर ड्रामे करें. बाहर से मतलब बाहर भी तो करते हैं ना काम. नेटफ्लिक्स बाहर तो बहुत अच्छा है अगर ड्रामे करते हैं तो. एक जगह करें ना. नहीं ये कह रही है. नहीं इनका कहने का मतलब है कि घर के अंदर वैसे ड्रामे ना करें. नहीं है बाहर किसी मेरा मतलब है कि भाई आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं तो इधर ही सेटल हो ना. ये तो वायरल डेफिनेटली होगा. नहीं मैं कह रही हूँ भाई आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो इधर आप अपना कमाल दिखाएं ना. बाहर क्यों अपना हुनर दे रहे हैं. अच्छा बाहर हुनर देना नहीं चाहिए. देना चाहिए. क्यों देना चाहिए. अगर कल को मुझे कहीं से होस्टिंग की कोई ऑफर आती है मुझे भी पाकिस्तान में रहना चाहिए कहीं बाहर नहीं होस्ट करना चाहिए. तो फिर आप वहीं शिफ्ट हो ना. आप इधर भी हो. आपने पूछे जहाँ दिल जाए काम करें. सिरा हियर एंड देयर. इस लड़की को ऑफर भी ना. इसका छोटा सा बैग तैयार है निकल जाएगी. चेंज कीजिए. ओके चेंज कीजिए. हाँ जी. नाउ योर टर्न इजाज़ भाई भी मशवरे देना कम करें. ले जाना मशवरे देना कम करें. इजाज़ ठीक है जी. शकील भाई हाँ जी चेंज कीजिए. इजाज़ भाई रिवाइंड हो रहे. प्रेजेंट साहब मशवरा दीजिए. एकदम घर पे आ जाएंगे मशवरा देने हमारे. हमसे मशवरा लो भाई. इनसे पूरी दुनिया हम पाकिस्तान मशवरा ले रहा है. इस वक्त हुकूमत में जो बैठे हुए हैं ना वो शहबाज शरीफ साहब भी इन्हीं से मशवरा ले रहे हैं. अब क्या करना चाहिए बताइए. क्या करना चाहिए चलिए बताएं ना. क्या मशवरा आप दें. कपड़े भी नहीं बिक सके. अब क्या करना चाहिए भाई. इनको मशवरा ये है. कोई मशवरा नहीं. नहीं नहीं सही बात है. इनका मशवरा बनता नहीं. ये चीटिंग है. कोई भी मशवरे नहीं दे रहा. नहीं मशवरा नहीं दे रहा. मैं देके खामखा वायरल हो जाऊंगी. नहीं नहीं कोई बात. सब मशवरे दें यहाँ पे. अच्छा इनको मशवरा देता हूँ. पाकिस्तान के लिए कुछ करें. अच्छी बात. अच्छी बात. पहले क्या अमेरिका की कर रहे हैं. नादिया आप सही बोल रही हैं. मशवरा चाहिए नादिया. मशवरा अली अजमत को ये है कि आप ज्यादा कॉन्सर्ट्स करें. हाँ, फिर से हाँ, हाँ, अच्छी बात. ये बहुत अच्छी बात है. मशवरा है. अच्छी बात. ज्यादा गाएं. अच्छा लेट्स गो टू सना. हाँ जी दिखाइए. सबके उसमें फैसल कुरैशी. फैसल आपका टाइम आ गया अभी दोबारा. ये मशवरा नहीं है. मशवरा हाँ मैं बोल रही हूँ. मशवरा दे रही हूँ कि आपका टाइम आ गया है. माशाल्लाह ठीक है. तो उस टाइम पे क्या करेंगे. मशवरा दे अभी जो काम किया. नहीं ही हैज डन इनको मशवरा दें आपके मजमे में भी तकरीर किया करें. हाँ मजमे में भी तकरीर किया करें. ये मैं नहीं कह रहा. ये कह रहा मैं नहीं कह रहा. मैं तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगा सर. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ. हमारा मुल्क जो है ना ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ खाना पॉलिटिशियन खाते हैं बिल आवाम पे करती है. क्या बात है. तालियां. वेरी नाइस अली भाई. फिरदौस आशिक अवान साहब. ये सब छोड़ के बॉक्सिंग शुरू कर दे. यार ये क्या बात. वो तो ये करती हैं वैसे. गुड एडवाइस. नहीं पैसे वाले. नहीं प्रॉपर नहीं करती ना. प्रॉपर नहीं करती. हां हां अच्छा मैं एडवाइस दूंगी. अरे ये नादिया की कह रही है. हां नादिया दी. हां आईब्रोज जो है ना वो कम डार्क बनाएं. अरे इन्होंने अपने बहुत डार्क हैं. ये रात को मार्कर से बनाते हैं तो सुबह मिट जाती है. ब्यूटी टिप. बड़ा वायरल कंटेंट है भाई. बड़ा वायरल कंटेंट. आप देखिए सही 12 सेकंड की जो रील्स निकलेंगी इसमें से. दैट्स रियली नाइस. अच्छा ये पीछे लगाना था. ये
क्या मतलब आप नहीं देख पा अली भाई नहीं देख पा ऐसा है कैमरे में अली भाई मैं आपको आपको बता दूंगा मैं कौन है ऐसा लग रहा है मेरी याद में कोई प्रोग्राम हो रहा है नहीं मैं तो कहता हल्की से भावें इधर करा मुंह शांत इनसे गुजारिश है मर्दों की रिस्पेक्ट करें ये छुट्टे ही चमाट मारती हैं अच्छा वो वीडियो वायरल नहीं हुई थी इनकी अच्छा नहीं आप एक मशालन को तो जहां लाइव शो में मारा हां ये जहां जाए हाथ बांध के जाएगा पुलिस ऑफिसर को भी मारा और लाइव शो में उन्होंने पुलिस ऑफिसर दैट आई नो पुलिस ऑफिसर को मारा था दैट आई भाई क्या मशवरा एक बात अच्छी थी वैसे क्योंकि ज्यादातर हमारे माशरे में औरत ही जो है उसको ऐसा दिखाया जाता है कि वो पिट रही है रो रही है इन्होंने घुमा के जो दिया ना वो बड़ा बहुत अच्छा लगा बहुत तका के दिया समटाइम्स यू नीड एडवाइस करना चाहते दो चार और लगाएं आगे अरे बहुत अच्छे ये चाहते 6-7 फिरदौस आवान आ जा पाकिस्तान कोई बात नहीं चलेगा यार औरतों को हमेशा अरे मर्द का भी पिटना बनता है चेंज कीजिए लेट्स गो टू गजल अगेन हां जी देयर यू गो फिरोज खान अब आप जवाब दीजिए मशवरा एक्सप्रेशन चेंज करें चेहरे के हाँ थोड़े से चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करें मैं भाई वाला मशवरा दे रहा हूँ तुम क्यों दे रहे हो वो दे रही है ना मशवरा नहीं तो मैं आज कौन गजल नहीं आप दे दे मैं बात नहीं मैं तो इनका खुद बहुत बड़ा फैन हूँ आप दे जी बताइए थोड़ा सा समटाइम्स बहुत मुझे वो लगता है थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करें यही तो कहा था मैंने यही तो सही तो मैंने कहा सही कहा हाँ अच्छा चलिए जी ओके बाजी चेंज करें भाई दो तीन कॉमेडी फिल्म भी बनाए ट्रू ट्रू कॉमेडी फिल्म हंसने की जरूरत है जी चेंज कीजिए जावेद भाई अरे क्या बात लगते इनको ना आप जावेद भाई को और एक सीरियस डाडा टाइप रोल करना चाहिए कौन सा सीरियस कॉमेडी बहुत करते हैं कोई सीरियस से रोल हो नहीं कौन सा टाइप डेरे टाइप डाडा 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 बलोचा नहीं होता डाडा सिंधी में कहते हैं डाडा हां नहीं डाडा डाडा नहीं है डाडा मतलब बलोच डाडा ना नहीं नहीं डाडा मतलब रोप वाला डाडा ना वही डाडा इज रोप वाला डाडा सीरियस कोई रोल करना चाहिए वो कर तो ले क्या मतलब आते गोली मार दें क्या करें वो करते तो हैं वो आपकी तरह मूछे रखेंगे तो बन जाएंगे वो लॉन के प्राइसेस ही कम करवा दे जी आपका था ये मरियम नवाज का मेरा आपने मशवरा देना था हमारे साथ भी टिकटॉक बनाए सारे ये कौन है मतीरा बाथीरा अभी की लगाओ पुरानी नहीं है ये तो अभी अभी की लगाओ अभी की लगाने वाली नहीं है अभी की इट्स योर टर्न इट्स माय टर्न यस नो आई सर मैं प्लीज सवाल मेरे पहले क्या सबसे डीसेंट आदमी अली भाई अली भाई मतीरा के बारे में कुछ बताइए हां कुछ ऐसा बताइए जिसको सुन के हम लोग हिल जाए मशवरा नहीं मतलब मशवरा नहीं इस तस्वीर पे नहीं आएगी अभी की लगाओ अभी की मिल नहीं रही आई मेट हर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स मुझे लगता है कि जो स्क्रीन पे वो आती हैं उससे वो बहुत डिफरेंट शख्सियत है अच्छी बात वाह वाह उनको चाहिए कि वो ऐसे ड्रामे करें या इंटरव्यू या होस्ट करें जहां उनकी एक पैरेलल साइड भी जो है वो लोगों को नजर आए मैं एक बात कहूंगा इसके लिए कि बहुत दिल की बहुत साफ है चाहे कैसी भी सेम ईयर बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी सर हमारे यहां सब हर आदमी जज बना हुआ है सर हर आदमी जज बना हुआ है हां जी कौन है मीरा जी आ गए मीरा जी सना जी से पूछा मेरा कुछ मत कहना क्या आपको मशवरे कुछ मत कहना अब जब कोई तुमसे पूछे तुम कुछ मत कहना मशवरे बोला था आपने मशवरा दे रहा है ना मशवरा मैंने कहा मीरा कुछ मत कहना तुमसे कोई बोले कुछ मत बोलना वो बोलेगी जवाब नहीं Okay. वो बोलेगी आप बोलो हैप्पी बर्थडे वो कहेगी सेम टू यू मीरा को क्या मशवरा आगे दिखाइए नहीं वो सबके मशवरे सुनती है ओके मुराद अली शाह साहब सारे पॉलिटिशियन के जान मुझके ला रहे हैं आप क्या मतलब है और कराची के हाँ ताकि हम फंसे नहीं कोई कोई अच्छा मरियम नवाज पंजाब अच्छा वो वजीर आला पंजाब है ये वजीर आला मशवरा ये है कि भाई पानी का निजाम और गैस का निजाम और बिजली का निजाम ठीक कर दे जी और आप कुछ कहेंगे मूंछों का स्टाइल चेंज करें और ये तो नहीं और कराची के हालात जो है वो भी बेटर कर ले कुछ आप कहेंगे गजल ये कह रही है इधर वाली मुझे 5 मिनट लेट है ये सेंटर निकालिए जी दूसरा निकालिए
मुस्तफा कमाल, कमाल। नादिया हुसैन साहब से पहले शुरू करें प्लीज जी। ये कुछ बताएंगे, पहले ड्यूटी टिप बताएंगे। हाँ ये बताएंगे, सब पुरानी तस्वीरें हैं। अच्छा नई वाली लगा दो यार, नई वाली में बोलेंगे हेयर ट्रांसप्लांट करा। अच्छा ज्यादा पुरानी नहीं है ये, कलर टोनिंग हुई हुई है। अच्छा बताइए, अच्छा इसमें डिफरेंट आ रही है, उस वाली मॉनिटर में डिफरेंट आ रही है। क्या मतलब नादिया उधर देखो, हाँ वहाँ पे जरा, हाँ वहाँ पे, हाँ नादिया बताइए ना, आंखें थोड़ी हल्के ज्यादा हो रहे हैं या? हाँ नहीं, जिस हल्के से खड़े होते हैं ना वो हल्का 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 हो गया। आप बेस इस्तेमाल करें। आगे 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 आगे, डर भी रहे, मशवरा भी नहीं दे रहे, डर भी रहे। लेट्स सी, हाँ देखो या फिर पूछो। नीलम मुनीर जी, सिरा पॉइंट यू ट्राई, एक और वीडियो बनाओ ना गाने वाली गाड़ी की। नीलम को ना अब माशाल्लाह बहुत लंबे बाल है, मुझे लगता है ना इतने बाल कटवाने चाहिए। अच्छी लगेगी यहाँ, सही घूम। नहीं नहीं नीलम के बाल अच्छे लगेंगे उन पे। नीलम एक गाना और बनाओ ना गाड़ी के अंदर, डाले के अंदर बनाए, शकील भाई भी साथ जी। ऐसी मैं राजी हूँ, ये अगर होगी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं ऐसी प्रीटी रहे, अच्छी रहे। अच्छा जी आगे दिखाइए, ये कौन है? बग्गा, बग्गा भाई, बग्गा भाई क्या बात। हाँ जी शायर अली बग्गा साहब के लिए। साहिर ने अपनी जो बनाई है ना जगह, वो बनाई है अपनी रेंज, अपनी टोन, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। पर एट द सेम टाइम वो एक म्यूजिशियन भी बहुत ज़बरदस्त है। ही कैन सिंग स्लोअर साइड नंबर्स आल्सो, जो गाते भी हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है ज़्यादा है वो जोशीले गानों का ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मेलो, अच्छा मेलो। और जी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अली भाई हैं एंड पुरानी जी। सलवार कमीज में करवा रहे पुरानी चीज आप। बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। क्या बात है भाई, वाह वाह सर, आपकी क्या बात है, जॉइन है, ब्यूटीफुल। थोड़ा बहुत तो नादिया भी गाती है और काफी अच्छा गाती है। आड़ा पजामा रेशम का कमर बंद, सैया कहाँ गए थे? आड़ा पजामा रेशम का कमर बंद, सैया कहाँ गए थे?
साड़ा पजामा रेशम का कमरबंद सैया कहाँ गए थे आड़ा पजामा। अच्छा जी यहाँ कौन कौन लोग आए हुए, कोई लाहौर वाला है क्या यहाँ पे? ओ, सना लाहौर से, सना लाहौर से, तो लाहौर को डेडिकेट करते हैं। सैया को हमने लाहौर में देखा, सैया को हमने लाहौर में देखा, भज्जे के जी हाँ भज्जे के पाए लक्ष्मी की कलाकंद, वो छुपके खा रहे थे आड़ा पजामा रेशम का कमरबंद, सैया कहाँ गए थे। अच्छा क्योंकि कराची में है बोल टीवी और साहिर भाई भी हैं और इस वक्त हम कराची में, तो एक नई लाइन एक नया शेर है कराची के लिए। सैया को हमने कराची में देखा, वेरी नाइस, तुम लोग डांस कर सकते हो। सैया को हमने कराची में देखा, सैया को हमने कराची में देखा, हाथों में जी हाँ हाथों में टीटी टीटी के संग संग वो कहीं भाग रहे थे, हाथों में टीटी टीटी के संग संग वो कहीं भाग रहे थे, आड़ा पजामा रेशम का कमरबंद सैया कहाँ गए थे, सैया कहाँ गए थे, सैया कहाँ गए, सैया। बोल टीवी गए थे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट वाज ब्यूटीफुल। क्या बात है, दैट वाज ब्यूटीफुल। और क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। और मेरी पहली मुलाकात जब अली से हुई थी तो वो ह्यूस्टन के अंदर थे और इन्होंने जब कॉन्सर्ट किया था वाज ऑफ कोर्स जैम पैक्ड, एंड व्हेन ही सैंग पुरानी जीन्स और गिटार आई थिंक द रूफ जस्ट एक्सप्लोडेड, वो ख़त्म, मतलब उफ। और फिर हम एक बार पिंडी में थे, आपको याद है जी, पिंडी के अंदर तकरीबन आई थिंक 10,000 से 11,000 लोग थे, कम अज़ कम 10,000 से 11,000, and Ali came on stage and it was just unbelievable. Thank unbelievable you. Beautiful. So mere khayal mein maine kaha tha na ki aapko, we have produced one of the finest in the world and that's Mr. Ali Hadid. Thank you so much. Cool. genuinely yaar kamal hai bhaji, what do you think sir? Ne gaane sune inke aur khaas taur pe purani jeans, to jo bhi banda guitar pakadta hai, jo bhi band naya naya gaana shuru karta hai, wo purani jeans se purani jeans se karta hai. In fact ke Ali bhai ek sawal hai, Ali bhai ye jo A plus R jo tha na, A to Ali, A R kaun hai, aaj tak samajh mein nahi aaya. Abhi tak samjho bhi nahi hai, mujhe lag raha aap bhi nahi samajh paaye. R means relationship, unhe pata tha. Acha R means relationship nahi, ek ek question aur hai, aap gaate the na ऐसे ही कॉलेज वगैरह में जब आपका ही गाना, तो हम अपना नाम कर देते थे उसमें। यार अब काफी बच्चे हो गए उसके, है ना। अच्छा आर के अली भाई, आपने जब ये गाना गाया था, जब रिलीज हुआ, तो आपको उस वक्त अंदाजा था कि इतना सुपरहिट हो जाएगा? यार नहीं, बल्कि जब ये एल्बम आया था, संदेशा नाम था एल्बम का, तो मुझे इसको पहले नंबर पे रखने नहीं दिया गया था। तो उन्होंने कहा था ये क्या है, इधर उधर की कुछ बातें मौज की और ये वो कर रहे हो, तो संदेशा वाज द टाइटल ट्रैक व्हिच वाज आल्सो हिट, लेकिन पुरानी जी नंबर 2 था, इट वाज नॉट द टाइटल सॉन्ग। तो सुनने में तो आया था, लेकिन मुझे कुछ यकीन सा था कि थोड़ी डिफरेंट भी बात लोग पसंद करेंगे, उस वक्त चेहरा भी ऐसी था अभी, वो रियली यंग, तो वो गाना बस हिट हो गया। माशाल्लाह। अच्छा मैं आपको रेडियो की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत रेडियो करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि यू नो एवरी अदर शो उसमें अली का ये गाना, अली भाई का ये गाना शामिल ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एक दो दिन मिस भी हो जाए तो लोग कॉल करके कहते थे यू नो प्ले दैट सॉन्ग। तो मुझे लगता है कि इस गाने से हर उस शख्स की याद जुड़ी भी है जिसने अपना बचपन इसी तरह से गुजारा, एंड एवरी वन सीज देमसेल्व्स इन इट। नहीं ये गाना ऐसा है कि आपका माजी सांस लेने लगता है, ये गाना सुनो ना आपका पुरानी यादों में चले जाएगी। इसका एक ड्रॉबैक भी है, तो मुझे याद नहीं पड़ता, मैं तो बहुत छोटा था। अच्छा माशाल्लाह। आपको चमचे में लाते थे, चमचे में मैं छोटा था, ये कान में आवाज आई थी, जींस विंस की आई थी आवाज में,
वो भी किसी ने आपको लाकर दी थी फिर आपने पहनना शुरू किया गिटार की। अली मुझसे कम से कम 18 साल बड़े तो हैं कम से हैं अली भाई। ओ भाई ये वैसे आपस अच्छा आपको याद है आप कौन कौन से हैं? अक्सर मतलब ये कोई अजराए मजाक की बात कर रहा हूँ, ये बहुत होता है सचमुच में। जो नानियां दादियां अक्सर कभी होता है कोई फैमिली इवेंट कर रहे होते हैं तो लिटरली मैंने अक्सर ये वाला मैं मजे में बहुत छोटी थी कि अक्सर नानियां दादियां जो हमारे लिए वाकई नानियां दादियां हैं अब तो हमारी एज के भी लोग नाना दादा बन गए हैं ना, तो मैं एक्चुअल नानियां दादियां की बात बता रहा हूँ। मिलते हैं और कहती हैं आए बेटा जब मैं छोटी थी तुम्हारा पुरानी जी ये होता है अक्सर ये अक्सर होता है। अच्छा कई फैन ऐसे अच्छा इन्हें कोई नहीं मिलता है? मुझे मिला एक नहीं नहीं आपकी उम्र के सब मर चुके जिन नहीं है वो तो मेरी बदवाओं से सब चले गए वो तो मेरी बदवाओं से एक आदमी भी नहीं है दो चार इनके जमाने के जिन मर गए यार। अभी शहजाद भाई को बताऊंगा ये बात जाके मैं बता दे शहजाद रजा को वो मुझसे बहुत पुराने हैं। मैं बता रहा हूँ फैन कैसे मिलते हैं अली। एक बंदा मिला अब वो मुझे कह रहा है पहचाना अच्छा मैं समझ कोई रिश्तेदार है खुदा की कसम मेरे का रिश्तेदार है। मैंने कहा उनके बेटे हो आप कहाँ पहचानोगे तो बड़े आदमी बन गए हो। मैंने कहा यार उनके बेटे हो मैंने पूरा खानदान गिनवा दिया क्या रोबोट शायद किसी का निकल आई है नहीं निकला आखिर में क्या कह रहा सुन उसकी पंच लाइन भला ड्रामा देखा था हाशिम में बैठ के चौथे रो में मेरा ड्रामा स्टेज चौथी लाइन में चौथे हाँ चौथे रो में बैठ के देखा था। मैंने कहा किधर था तू इतने दिन से यहाँ से पकड़ा मैंने उसके कान पे काट लिया जोर से अब वो दूर जाके खड़ा होके क्या कर रहा है अबे पागल है क्या। मैंने कहा तू पागल है क्या अब मैं तुझे पब्लिक पहचानूं चौथे रो में बैठा हुआ है तू। ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद that we all love and adore. I've heard that he's not well. So this is a tribute to him. Basically, Ataullah Khani Sakhilvi sahab. And kahi gaana jo sabne suna hai, hum usko karne ki koshish kar rahe hain. And I'm trying, and then let's see. I know, ye mahol wo nahi hai, but because Lala ka ye gaana hai, to I'm doing this. Ali bhai, kar sakta hum? Maji, abha tujhse bhi ab poochna banta hai mera. सीरियसली इतना बड़ा तो हो गया तुझसे पूछना बन गया मेरा मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं गाऊं तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एनीवे इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी दुल्हन बनेगी कयामत से पहले कयामत है यारो मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी इधर जिंदगी का जनाजा जिंदगी इसमें कुछ भी मिला सकते हैं जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना जवानी पे मेरी सितम ढाने समाना इधर मेरे
चलो मैं सुना दूं पवन छे सरगम मैं लोरी सुना दूं देख कर ये ख्याल आ रहा है रिश्ता के जैसे कोई सो रहा हो तुम ही मेरी मन सना आ गई है आ जाइए प्लीज आ जाइए तुम गाना चाह रहे हो ना नहीं नहीं आपका बहुत इंतजार था इनको बहुत ज्यादा इंतजार था और ये मैं आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं खड़े हो जाओ वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे न वो आगे न मैं जाऊं पीछे वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे मैं जाऊं पीछे वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी शर्मा के नजर के सवाल पर शर्मा के मुँह पे नजर के सवाल पर लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी दिलबरों की हिदायत कभी कभी होती है दिलबरों की हिदायत कभी कभी मिलती है जिंदगी मोहब्बत कभी कभी जो लता को आपने जोड़ा है ना तो अल्लाह के साथ अल्लाह की कसम बहुत अच्छा लगता है नहीं रियली मिलती है जिंदगी में उसको ऐसा रिमिक्स कर दिया मिलती है जिंदगी में हाँ यार हमने तो सुना ही नहीं था रंगीन गाना है शायरी बकवास नहीं कर रहा जिस तरह आपने बताया वो समझ के बकवास ही कर रहा है अच्छा अब एक गेम है जरा गेम पे आ जाते हैं ना लेट्स सी के जी इस तरह वालों का मुकाबला इनसे है लेट्स सी कि क्या होता है ठीक है अरे भाई यू आर गोइंग टू जज और यू आर गोइंग टू प्ले I want to play. You want to play, right? अली, to play. अली, अली को इतना मौका लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए. लेकिन अच्छा सा कुछ होना चाहिए. पीछे से म्यूजिक अच्छा सा यही डाल दिया. मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी-कभी. ओके जी, दो-दो आपको फ्रिस्बीज मिलेंगी और आपको इसमें से गुजारनी है. ठीक है जी. गजल, you're going to be first. हम ये गुजारेंगे. सारे जो है ना वो उस तरफ चले जाएं. क्या मतलब है? उड़ती भी यहाँ ना आ जाए ना. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएगी. कोई नहीं आ रही. गजल आई है. ये गुजारेंगे बरकत गुजरेगा और शकील भाई फ्रिस्बी समेत हम दोनों गुजर सकते हैं. अच्छा इतनी दूर से मेरा सर फंस जाएगा. इतनी दूर से मतलब जा सकती है. बहुत दूर है. बहुत दूर है. आप करके दिखाएं. बहुत दूर है. करी ना लूं कहीं. मैं करी ना लूं कहीं. बहुत दूर है. बहुत दूर है. मैं करी ना लूं कहीं. फासला बड़ा है ना. जबरदस्त यार. चला जाएगा. चलो ठीक है ना यार. भाई कैमरा मैन कितने भी है ना. नहीं नहीं नहीं. उधर खड़े हुए सारे. वाह वाह. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. कैमरा टूटा. कैमरा में कैमरा. आए चलो आओ सब घर चलते हैं. क्या बात है. क्या मतलब है आप.
मेरी बात सुनो, ये होस्ट नहीं कर पा रहा तो हम कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते। क्या मतलब नहीं कर सकते यार? मैं जज बनने के लिए तैयार हूँ। ये कह रही है, पता क्या है जज भाई? हाँ, सना कह रही है होस्ट के नाखून लो। हाँ, होस्ट के नाखून लो। आइए आइए, गजल योर टर्न, योर टर्न। अली भाई, यू वांट टू ट्राई फर्स्ट? पहले जज ट्राई करेंगे। पहला गेम आपका। मैं हार चुका। मैं भी जज बनने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब? अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से शकील भाई और सना, और वहाँ से नादिया एंड बरकत। आप लोग एक मिनट, आप लोग वहीं बैठे ना, पहले ये लोग कर ले, फिर उसके बाद। मेरी फ्रिज भी टेढ़ी है। नहीं, कोई फ्रिज भी टेढ़ी नहीं है। वाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। पता क्या, वेरी नाइस यार, मेरा कुछ नहीं है ये छेद ऊपर ना हो। हो गया शकील में क्या आइए आइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आप चले बहुत अच्छे। जगह बदलने से कुछ नहीं होगा नादिया। एक मिनट भाई, बात सुनो, एक मिनट, बंद करें, बंद करें भाई, एक बात सुन लें, सब लोग सुन लें, बुजुर्गों को कोई नहीं मारेगा। अभी हाँ जाया भी नहीं, वो हाथ लग गया था, दोबारा चलूंगा। चले चले, पीछे जाओ, पीछे जाओ तुम। ये गेम काफी रिस्की है ना, बचाओ अपने आप को। बच गया, ओए अल्लाह, ओए नहीं हुआ, नहीं हुआ बजी, वेरी नाइस। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा। वेरी नाइस, एक 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 बॉल मिल जाए तो कोई बॉल है कोई अगर जोर से आ गया। अच्छा एक मिनट, हो गया बस बस, एक 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 से बराबर है, बराबर है, बराबर है, बस बस खत्म। अबे हो गया बड़ा, कल तक क्या हट गया, हट जा। अरे कौन सा ईद का शोर है ये? प्रैक्टिस घर जैसा माहौल है, घर जैसा माहौल है, एक सौ फेंकूंगा, घर जैसा माहौल है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक आपको सही चला गया, एक उसमें का गया, एक शकील भाई का। अच्छा एक सेकंड, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, लेट्स लेट्स डू दिस, लेट्स भाई, मजा आ गया भाई। हां, और तुम्हारा तो बहुत बहुत बॉल, तो बॉल मारनी है? नहीं, बॉल नहीं मारनी है, ये आपको करके दिखाएंगे, शकील भाई को मारनी है, ये करना है। इसमें तो मुकाबला बराबर रहा है, कोई भी नहीं जीता है। वो बचपन में खेल, ओके जी, हाँ बचपन के खेल है। 1 2 3 गो, उसमें डालनी है। hey, ओ, ओ, आ, ओ, ऐसे ये तो शकील भाई जीत जाएंगे। इसमें मैं जज हूँ,
Hi, 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 hi. It's very simple. Very simple. Sorry, you want to try this? It's not that simple, but it's good. I think it's good fun. Okay, aaiye. Come on, sir. Aaiye, aaiye, aaiye. Kya? Game to game hai na? No, my guarantee hai. Sana isse aage pahunch ja, phir bolna. Chale, Sana, dikhaye aap. Oye, oye, challenge hai. Chalo. Aaiye, challenge ho gaya. Accept kare aap challenge. Nahi, nahi, Sana ji ko challenge hai. Chale, chai karein pehle. Nahi, nahi, aap karo. Okay. Ye kya baat hai? Ye khawatin ka game hai. एक ही बॉल से अपनी तरफ से उन्होंने रख दिया गेम क्यों ताकि मजा आ रहा है अच्छा रेडी 1 2 3 गो ओए आराम कर कोई बे तुमने वहां तक कर दिया एक एक याद रख लेना ना अच्छा लेकिन यहां से स्टार्ट होगा ठीक है वहां से कैसे शुरू हो सकता है बना लिया एक एक मारना है नहीं 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 ऐसे नहीं है अरे दोनों पे एक एक ऐसे थोड़ी है एक 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 आपने इसे माना है किसे माना है देखिए एक यहाँ तक गिरा तो यहाँ मैं पहुंच गई दूसरा यहाँ गिरा तो मैं यहाँ पहुंच गई बिल्कुल सही है आप सही नहीं 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 हाय हाय ऑलमोस्ट है ऑलमोस्ट है यहाँ से यहाँ से चलो यार खाओ हमारी बच्ची खेल रही है खाओ अच्छा यहाँ से कौन बरकत दिल चलो भाई खाओ हमारी बच्ची खेल रही खाओ ये कर लेगा बरकत नहीं मैं नहीं करूंगा बच्ची खेल रही एक एक के हाथ में खेल ले आप लोग खाओ शाबाश हो गया बरकत हो गया हाय हाय आने के बाद यहां से सिरा ट्राई यू ट्राई वेल ट्राई हां सिर्फ देखने का मजा बड़ा मजा दूसरों को खेलते हुए देख के बड़ा फन बजी आया नाइस मीटिंग यू ऑल हां बजी भाई आओ आइए सर आइए प्लीज आप हमारी टीम में ये याद रखिए ओए होए आया 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 आप आ गए तीन आप आ गए आ गए आ गए तीन दफा तीन दफा दो दफा नहीं होगा असर होता है हाँ ये मेरे बाएं हाथ का काम है ये बाएं हाथ नहीं होगा शकल भाई प्लीज हाँ उस्ताद डन क्या बोलता है ओके मैं कहता हूँ ना खेले टांग खोल ले गिठाने लग जाएंगे चले चले चलो अरे वाह वाह आराम से नहीं 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 शकील भाई नहीं 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 नखिल शकील भाई नहीं 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 चले कहाँ यार मैं सही पहुंच गया था दोबारा दोबारा इस कमीने की नजर लगी एक दफा और कर ले आपको किसकी नजर लगेगी करें हट माफी माफी माफी
माफी मुश्किल मुसलमान क्या 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 खुफिया क्या खुफिया मुसलमान तू खुफिया मुसलमान हो अरे शकील भाई आराम से ए ए ए शकील भाई नहीं नहीं अबे तेरी डिलीवरी होने लगी शकील भाई नहीं नहीं शकील भाई आराम से जज से पूछ लेते हैं अली भाई एक ही पे मारे जा रहे हैं एक ही पे मारे जा रही है जज आपकी तरफ एक पे मार रहे अली भाई को बोले शकील भाई ने अपने हिसाब से जो किया है ना वो गलत किया नहीं दोनों से मारा यार नहीं नहीं सही किया यार रिवाइंड करके देखो नहीं नहीं सही है सही है थर्ड अंपायर क्या मतलब ठीक है ना हाँ तो मैं जीता ना आप जीत गए ये पैक कराओ यार शकील भाई को फटी हुई बॉल दे दो चलो यार एक मिनट चलो सना 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 जी जाइए होना है तुझमें सना अरे सना रह गई और मैं रह गया इधर सना सना लिया है हो सकता है उससे दूर अब तुम देखना सना अगर यहाँ से आगे बढ़ क्या हो गया चुप कर जाए चले हो जाएगा आराम से यू करके ना आराम से वन मोर सना दोबारा दोबारा वन मोर भाई शोर मत डालें प्लीज कंफ्यूज करते हैं आप लोग ये मुंह से पकड़ के डालेगा ये कौन डालेगा ये बच्ची आसमान में छेद करेगी ये लीजिए अपने चलो भाई सना के लिए तालियां नहीं कर सकी नहीं कर सकी मेरा वाला इसका हुआ हो गया लेकिन अच्छा जीता कौन ये तो बताइए अरे हमारी टीम जीती हालांकि मेरी तो बारी भी नहीं आई अभी एक ना एक नादिया की बारी नादिया की नादिया की नादिया की हां इसने नहीं किया मेरी तरफ से मैंने किया शकील भाई ने किया इन्होंने किया नादिया ने किया और मैंने किया और आपने तीन आप हमारी तरफ थे ना आपका उस वक्त कंधा इधर था नहीं भाई मैं देखो अच्छा खेल में आप जीते हो खराब खेल में मेरी बच्ची खराब में हम नंबर वन है हमने बहुत खराब खेला हालांकि उसको नजर नहीं आ रहा था ले जाती जा है उसको लगा वहाँ पे रखा है ना बेस्ट जो बॉल फाड़ी है उन्होंने कॉन्फिडेंस इनको दे दे हम ना बाइक चली उधर ठक आवाज आ गेंद देना फिर फाड़ो ना यार आवाज बड़े मजे की थी हम चेक कर रहे गेंद की थी कहीं और की यार मुझे लगा कुछ हुआ है शकील भाई का टाइम हो गया सोने का शकील भाई बॉल है ये क्या खा रहे हैं अच्छा ये अगर भाई वो गिरी थी ना सना ने यहाँ फेंकी थी बॉल भाई नहीं दिन वाला लगवा लो मैंने वही लगवाया हुआ है जो यहाँ दिखे शकील भाई को देख रहा हूँ मुझे हमारे मोहल्ले में कैरेक्टर थे वो बहुत याद आ रहे हैं इस वक्त कौन वो भी पागल थे बताएं हाँ बेटा सीधा घर में घुसता था लो भाई थिएटर शुरू हो गया वो उसके घर में घुस गया उसकी अम्मी भाग गई उसके अब्बू चले गए अच्छा थिएटर कर नहीं पाओगे थिएटर इतना मुश्किल काम है बहुत मुश्किल बहुत सबसे मुश्किल काम फैमिली को लेकर आना उसमें बातों में बहुत मुश्किल हाँ तुम्हारी फैमिली आ अब तुम्हारी फैमिली नहीं आती है टिकट के पैसे हो तो आ जाओ कोई मसला थोड़ी है नहीं मैं बात पता है सुनो थिएटर तुमने कह रहे हो ना कि घुसने की बात ये जितना भी हो रहा है ना थिएटर ही हो रहा है बेटा हाँ ये आपको शर्तिया कह रहा हूँ यार आप लोग जो अदबी बात करते हो अल्लाह उसके बाद वजू करना पड़ता है अच्छा फिर आप कहते हैं हमारी बात है अभी कह रहे अदबी बात है नहीं नहीं आप जो कह रहे हो ना थिएटर को बुरा नहीं कहना थिएटर तो मेरा प्यार है कोई शक नहीं हमारा 45 साल से थिएटर कर रहे हैं और करते रहेंगे माशाल्लाह थिएटर के लिए बहुत सारी ताली उमर भाई को थिएटर से इतना प्यार था उमर भाई कमाल फिल्में छोड़ देते थे क्या बात फिल्में छोड़ी उन्होंने वो फैन पे याद आया मुझे एक वाक्य सुना छोटा सा उमर भाई सेकंड टाइम दुबई गए थे तारा भाई और उमर भाई तो उमर भाई टीवी पे नहीं आते थे तारा भाई बहुत मशहूर थे 50-50
अभी रात भर ये लोग बैठते थे, हम लोग गपशप लगाते थे, सुबह 7 बजे सोने का टाइम हो गया, तो 7 बजे दारा भाई सो गए, उमर भाई उसी कमरे में, एक फैन आ गया, उमर भाई को जानता नहीं तो दुबई का था, डाले को मिले जी इस्माइल तारा से मिलना, अब उमर भाई को नींद चढ़ी हुई है। उमर भाई कह रहे आइए आइए, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, आइए। कह रहे जी साहब सो रहे हैं तो कुछ काम कर लेते पहले, होटल की चादरें धुलवा रहे उससे। पहले उसने चादर धुलवाई और उसको कह रहे ये अब होटल की अलमारी, कह रही अलमारी सही जगह नहीं रखी हुई है। कह रहे जी इसको उधर कर देते हैं, साहब खुश होंगे उठ के। अब उस आदमी से अलमारी उधर करवा दी। कह रहे यार वहीं सही थी, उधर ही करो। उससे कोई 1.5 घंटा काम करवाया तो कह रहे आप उसके हाथ में घड़ी थी। कह रहे साहब को बहुत पसंद आएगी। उमर भाई ने जबरदस्ती उतार ली, चला गया तो शो पे पहुंच गया, कह रहा मेरी गाड़ी तो दिलवा दो। तो उमर भाई यार वो ये करते थे चेजेबाजी में, उमर भाई का अल्लाह उनकी मगफरत करे, अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन आमीन। उमर भाई से तो बड़ा आज मोइन भाई है, नहीं वो तो मोइन भाई ऑब्वियसली, मोइन साहब उमर भाई दे वर ग्रेट। मेरा 30 साल इन दोनों के साथ गुजरा है। किसी ने पूछा ना, आपने पूछा था कि मोइन भाई उमर भाई, मैंने कहा वो पूछ लो कि पहले आप कौन, बाकी का भी गुजारे आप, मैं चाहता हूं मिल सकते हैं हम। हां यार तुझे भी बहुत याद कर रहे थे, वो रिपीट कर दिया तरीका, ख्वाब में आया बहुत दफा है। क्या कह रहे बरकत के काम में बरकत नहीं रही, इसको भेजो। मैं अल्लाह तुझे जिंदगी दे, आमीन सब कुछ, 1000 साल जिए घसीट घसीट के मरना। नहीं अल्लाह तुझे बहुत इज्जत देगा इंशाल्लाह, बस इस आदमी का साथ छोड़ दे। ये बात इन्होंने 15 साल पहले भी कही थी समर पे। लेकिन हम दोनों को यार मैं जुबान, लेकिन सिटी में बात क्या, फिर भी जुबान का पक्का साथ नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा मैंने पहले भी मजाक में कहा था, आज भी मजाक में कहा, बाहर आज सीरियस कहूंगा, इसको जाएगा अकेले में छोड़ दो इसका साइड इफेक्ट। अच्छा बोला मुझे था लाला भाई ने उसको एक्सेप्ट किया बात को। अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूं फिर इसके बाद बात करते हैं। या तो ट्रक चला रहा है टाइम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। Alright, जी once again, welcome back. और मुझे खुदा हाफिज कहना गजल को, बिकॉज यू हैव टू गो। थैंक यू सो वेरी मच, ईद मुबारक, ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। गजल के लिए बहुत सारी तालियां। क्या हुआ? गजल के लिए तालियां, मैंने कहा उनकी फ्लाइट है। फ्लाइट है, फ्लाइट है। वजी वजी के पास बिल्कुल जी, चले जी कुछ भी कर दें, तुम तो कुछ भी कर लोगे, उधर जाके कर लोगे। देख के मुझे क्यों तू देखता नहीं, यारा ऐसी बेरुखी तो सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआ में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। हाँ मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कहीं छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कहीं छूटे ना, दामन से तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शाम में बिता कर दो, देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, इश्क नहीं आसान बस
जिद न समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, अब प्यार दोबारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा, लेकिन अब प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा हो यारा, बोल नयारा हो यारा, बोल नयारा हो यारा, बोल कफारा क्या। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे। आ जाए अली भाई, आइए ना प्लीज, सारे में आपने भी गाना है। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, लापता हो गए देख। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, क्या पढ़े एक वादे पे उम्रे गुजर जाएंगे। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा हो गए देखते देखते। सर आप पढ़ दीजिए, ये शेर तो याद नहीं, आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। शेर बहुत अच्छा है, कमाल है सर। वो जी क्या बात है, क्या बात, बात, बात है, क्या बात पता है? लगा अंडा क्यों टूटा था, वाँ, 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 वाँ। क्या बात है, वेरी नाइस वजी भाई, वेरी गुड वजी, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। क्या बात, अच्छा दैट द शो इज वाइंडिंग डाउन, द बीच में आने की जगह नहीं थी यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल है यार, कमाल है। अच्छा तो मुझसे शुरू करते हैं, मैसेज टू द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। सबसे पहले तो सब लोग ईद मुबारक। अब यार बहुत सेंटी नहीं होना है, नहीं। मैसेज है, मैसेज मेरा ये है कि बस मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो है हालात सबके बेहतर रहे और बेहतर होते चले जाएं। आमीन आमीन आमीन। उसमें दो मिलने के और तीन मिलने के चक्कर में ना लगे, एक ही दफा ऐसे मिले कि दूसरी दफा मिलना ना पड़े। हैं, मैं तो ये क्या बात यार, हमारे यहाँ होता है इसकी बात है, ये आपकी समझ में नहीं आएगी किसी की, बड़ी गहरी बात है। हाँ बहुत, हम अक्सर ऐसा होता है दो मिलते हैं सोचेंगे, बहुत से तीन मिलते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ एक ही दफा ऐसे मिले कि दूसरी दफा मिलना ही ना पड़े। शाबाश, वेरी नाइस। तोड़ दे तू ट्रेडिशन, तोड़ दे रिवायतें, खराब कर दे। तो तेरा दिल ही अच्छा रहा है, हम लोग बिल्कुल ईद मिलने से। अरे सर झगड़ा है ना इसी बात पे, छोड़े ना, झगड़ा इसी बात पे चल। अच्छा नादिया,
देखिए हम जो हैं वो इस वक्त जिस पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमें जो है वो पाकिस्तान के बारे में सोचना है, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है। डेफिनेटली हम अपने बारे में, तो हमें पहली जो सोच आती है वो हमें अपने बारे में आती है, लेकिन ये कि हमें कंसर्टेड एफर्ट करनी है कि अपने मुल्क के बारे में सोचें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बरकत साहब क्या बात है सर, मैं अब तो यही बात आगे बढ़ाऊंगा, मुल्क के बारे में तो बात कही। मैं कहता हूँ आज के दौर में काबिल इंसान वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिरा इसमें ईद का थी भाई, ऐसी मेरी अपनी ईद है, मैंने कोई बात नहीं, सही है, सही, कोई नहीं, वो इसने तोड़ी रिवायत आप मुझे कह रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं दोनों ने तोड़ी है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते तुम लोग, बिल्कुल दोनों ने तोड़ी है। तो तुम गली मतलब एक ही बार मिलो, दोबारा ही ना मिलो गले। मेरा पैगाम ये है कि हम क्या ही तकलीफ से गुजर रहे होंगे जो बाकी मुसलमान गुजर रहे हैं जिस तकलीफ से। मैं कहूँगी जितनी ज़्यादा हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए उतनी दुआ करें, क्योंकि दुआ में ही ताकत है। तो मुझे लगता है कि उनकी उनको दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो उनके लिए दुआ करें। बेशक बेशक बहुत शकील भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ फिर कहूँगा कि हर शख्स अपने सीने में ऐसा कब्रिस्तान तामीर करो जिसमें अपने दोस्तों और दुश्मनों की गलतियों को दफन कर सको। ईद का मौका है तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद मुबारक, और अपनी करीबी जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो अब समझते हैं कि ईद पर लोनली हैं, क्योंकि इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज है बीइंग अलोन। आप सब होते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अकेलापन होता है और बहुत सारी चीज़ें, तो ज़रूर उनको शामिल करें और अपनी ईद को मज़ीद खूबसूरत बनाएं, अपने दिल को साफ करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वंडरफुल, वंडरफुल सर। साहिर पहले तो सबको ईद मुबारक वाला मैसेज तो है ही, एंड ऑफ कोर्स आपका जिस तरह ब्रिलियंटली आपने पूरे, लगा ही नहीं मुझे तो, ऐसा लगा हम अपने दोस्तों यारों के साथ कोई गपशप लगा रहे हैं, घर जैसा माहौल है, साहिर के साथ घर जैसा माहौल। हां बेशक, बहुत अच्छा। देखना एक औरत आके यहां रोटी भी बनाएगी। नहीं ये बात मैंने जो है ना, आप उमर भाई की बात कर रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने मोइन भाई में ये बात देखी थी। हम इतने बड़े बड़े टूर्स पे जाते थे और वो आदमी जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो इस तरह लेके म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट को, कोई भी मसला है ऐसा लग रहा होता था कि यार हम कहते थे मोइन भाई आप मत करें, एंड वो जिस तरह से हमें कंफर्टेबल करते थे। मैं ये कहूँगा कि इस पूरे शो में जिस लेवल पे आप लेके गए हैं हम लोगों को, खुलवाना और ये सब खेलना और ये सब करना, वाकई ऐसा लगा कि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जज किया प्रोग्राम को। एंड साथ में मैसेज अभी सना ने बात की थी दिल साफ करने की, तो देखिए जब भी आप कभी किसी के ऊपर ये वाली उंगली उठाते हैं ना, तो ये हमारी तरफ भी आती है। तो आजकल बहुत रिवाज है ऐसा ना, लोगों ने आसान समझ लिया है, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है कमेंट करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब आप इस तरह करते हैं ना, तो ये पहले आपको बता रहा होता है अपने आप को थोड़ा सा क्लींजिंग करने की। बहुत चार उंगलियां आती हैं बाकायदा चार आती हैं, और ये तो बड़ी खतरनाक आती है ये वाली कि बेटा वो एक्चुअली एक शेर था बचपन में, मुझे डायरी और शेर लिखने का बहुत शौक था, तो मैं आज भी डायरी तुम्हें रोज़ लिखता हूँ। हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, जायज़ा लेते रहो अपने गिरेबानों का। एंड इट्स वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, कि जब तक आप, और अभी जो आपने बात कही है, तो वो आई थिंक वो अपने आप को अगर हम एहतसाब नहीं करेंगे तो फिर कोई चीज़ प्लीज कंटिन्यू ठीक नहीं होगी। नहीं आज खुशी का मौका है तो अच्छी बातें ही करनी चाहिए। मुझे लगता है एज अ नेशन हम लोगों ने इतनी मुश्किलात देखी हैं पाकिस्तान में, कौन कौन से जलजले नहीं आ गए, कौन कौन सी सैलाब नहीं आ गए, कौन कौन सी हुकूमतें नहीं बदली, और लोगों ने हर दौर में जो है ना वो चैलेंजेस का सामना किया है और उन्होंने उससे निपटा है, नबज़ आजमा हुए हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी टफ पैच से गुजर के लगता है कि कुछ छटना शुरू होना चाहिए इस आवाम के लिए, तो मेरी दिल से दुआ भी है, और मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के भी बात कहना चाहता हूं कि बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तानियों में, इसमें कोई शक बहुत पोटेंशियल है, मौके अगर नहीं है ना, मौके तलाश करें। वाह अच्छी बात, मौके तलाश करें और दूसरों को भी मौका दें, दूसरे को मौका दें, और देखिए ना अल्लाह ने ब्लेसिंग्स हर किसी के लिए रखी है, ये नहीं है कि ये मेरा बड़ा खास है, ये मेरा खास नहीं है, ये अल्लाह ने तो सबके लिए बनाया ब्लेसिंग है, निकलें एक्सप्लोर इट, लोगों के ऊपर बात करने के बजाय खुद थोड़ा सा आगे बढ़ें, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान
बहुत मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद एक दफा फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी खड़ा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई वांट टू से थैंक यू टू यू गाइस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया सबका, आपका शुक्रिया, आपने शो के बुलाया, इज्जत दी, बहुत शुक्रिया सना, थैंक यू एज ऑलवेज अ प्लेजर, ईद मुबारक शकील भाई, थैंक यू सिरहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वजी थैंक यू मैन, थैंक यू सर भाई, स्क्रीन से गायब नहीं हुआ करें, अभी आप बीच में शॉर्ट हो गए थे बहुत, हम लोग ने बड़ा मिस किया और हमने सीरियसली हमने कहा भी, हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करते थे सारी बात, अपनी जगह हमने अपने पॉडकास्ट में भी ये बात की कि यार साहिर भाई को आना चाहिए स्क्रीन, आपका दिखना जरूरी है, थोड़े से इश्यूज थे सेहत की वजह से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे एक ब्रेक, नहीं अल्लाह आपको सेहत बात से लेना पड़े, थोड़ा सा इश्यूज थे लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक एंड इट्स जी जी एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल नाउ, तो बस कभी कभी होता है आप किसी एपिसोड से गुजरते हैं और वो आप एक दिन अनएक्सपेक्टेडली यू मीट द सिचुएशन वेर यू रियलाइज के यार ये हर चीज़ इट कैन कम क्रम्बलिंग डाउन, ये नीचे आ सकती है, आपको रियलाइज़ नहीं होता। और अभी मैं हमारी एक देखने वाली और सुनने वाली हैं, रेडियो की हैं वो सुनती हैं, उनको नज़र नहीं आता, हर नेम इज़ नीता एंड शी लिव्स इन मुंबई और उनको सीपी की वो पेशेंट हैं, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, तो आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर यू और उसके बाद अली भाई की चीज़ पे हम ख़त्म करेंगे, हियर इज़ व्हाट वी आर गोइंग, एक कॉर्ड मुझे दे दीजिएगा, दिस इज़ मैं यूजुअली अपने शोज़ के अंदर कभी कभार पोइट्री ज़रूर करता हूँ, तो इट्स अ पोइट्री दैट शी लाइक्स एंड दिस इज़ गोइंग आउट टू यू एंड डोंट एवर थिंक दैट इफ आई एवर कम टू इंडिया आई डेफिनेटली विजिट यू, आई डेफिनेटली विजिट यू, सो आई नो यू वोंट बी एबल टू वॉच दिस बट यू विल बी एबल टू हेयर इट एंड आई एम डूइंग दिस फॉर यू, हमारी ईद है, हमारा त्यौहार है, तो इफ़ यू गेट टू लिसन टू दिस, दिस इज़ गोइंग आउट टू यू एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू लाइक, यू हैव रिक्वेस्टेड, आई हैव डन इट सेवरल टाइम्स ऑन माय रेडियो शो एंड दिस इज़ गोइंग आउट टू यू टुडे। There are times when और ये मैं उन तमाम लोगों के नाम करता हूँ जो अब हमारे साथ नहीं हैं, अभी आपने उमर भाई की बात की थी, मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि मैं उनका रिस्क खाता हूँ, मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि मैं मोइन साहब का रिस्क खाता हूँ, वॉट एवर आई एम टुडे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, आई वुडंट बी एबल टू एग्जिस्ट इफ़ इट वॉजन फॉर उमर भाई, इफ इट वॉजन फॉर मोइन साहब, इफ इट वॉजन फॉर अनवर साहब, इफ इट वॉजन फॉर जैमुद्दीन साहब और नंबर ऑफ पीपल हु हैव सपोर्टेड मी through my journey and specially you out there, मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या सलाहियत है, थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ 18 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ वो सब इस वजह से है बिकॉज आई हैव नो आइडिया स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, मैंने कभी पढ़ा कुछ नहीं, कभी कोई चीज़ देख के नहीं बोली और दो चार ही गाने मुझे आते हैं और अब ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं उनसे गुजारा हो जाता है, वरना पहले तो बहुत बुरा गाता था मैं, बहुत जेन्युइनली मैं ये कह रहा हूँ, और आपने उन दो चार गानों पे ही ये डिसाइड कर लिया था कि आप मुझे कभी ना कभी ज़रूर देखेंगे, सो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट बट आई एम गोना रीड दिस। जावेद साहब की ये नज़्म है, मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ लेकिन इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ मेरा तुमसे ये नाता भी टूट रहा है, तुमने छोड़ा था जिस शहर में लाके मुझको, वक्त का अभी ये शहर भी मुझसे छूट रहा है, मुझको विदा करने आए हैं इस नगरी के सारे बासी जिनके माथे पे रोशन है अब भी तुम्हारे जुल्फ की खुशबू, तुम्हारे लम्स का टीका, इनको मेरे दुख की खबर है, मुझको इनके गम का पता है लेकिन मुझको इज़्ज़त सफ़र है जाना होगा। ये नज़म बहुत लंबी है, मुख्तसर कर रहा हूँ, और एक जगह आती है जहाँ वो कहते हैं इस नगरी के सारे बासी वो सारे बाशिंदे वो कब मेरी बात सुनेंगे, मुझसे कहेंगे सुनो बंजारे तुम तो वक्त के कितने शहरों से गुजरे हो, उन शहरों की कोई कहानी हमें सुनाओ, उनसे कहूंगा एक थी रानी, सुन के कहानी मुझसे वो सब ये पूछेंगे तुम क्यों उनके शहर ना आई, उनसे कहूंगा ये मत सोचो आंखें मूंदो
और ये सोचो तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे उतना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ, लेकिन इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में लाकर, वक्त का ये शहर भी मुझसे छूट रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, केयर फॉर द पीपल यू लव, टेल देम दैट यू लव देम, वी डोंट हैव मच टाइम, वन डे अनएक्सपेक्टेडली लाइफ चेंजेस एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलता कि एक लम्हे में आप हैं और अगले ही लम्हे यू डोंट एग्जिस्ट। सो इफ यू लव समवन, डू लेट देम नो दैट यू केयर मोर ऑफन, डू टेल देम दैट यू लव देम, होल्ड देम, हग देम एंड लेट देम नो दैट विदाउट देम लाइफ इज नॉट द सेम, इट्स इम्पॉसिबल टू लिव। प्लीज स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, That's what makes life sail. Amma, Papa, I love you and thank you. Thank you for everything that I am. And thank you for just being there. Thank you. लेकिन यहाँ ये चीज़ खत्म नहीं हुई है। एक मेरी याद है, आप सबकी भी याद है और आप सबकी भी याद होगी। ये हो नहीं सकता कि अली भाई यहाँ हो, अनुभव करो, ये सैड एंडिंग शेंडिंग नहीं है बिल्कुल भी, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अली भाई जालिम नजरों से, हाँ वाज अ सैड, इट वाज जालिम नजरों से, जालिम नजरों से, ओ और उस पे मेरा मुस्कुराना।
से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा वो जाने जाना मर जाने जाना वो 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 जाने Thank you, everybody. Eid Mubarak. Eid Mubarak.